बैक एज यू कैन सी आज हम फिर से हैं किचन में और आज हम बना रहे हैं कुछ वेरी स्पेशल. इफ यू सी दिस थिंग, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, बट दिस इज कॉल्ड केयर और ये राजस्थान का एक बहुत ही फेमस इंग्रेडिएंट है. आज हम बना रहे हैं इसका अचार. आई विल शो इट टू यू गाइस कि ये कैसे लगता है. दिस इज हाउ इट लुक्स. और आज हम बनाएंगे इसका अचार. आई पर्सनली लव अचार. अगर मेरी पसंद की सब्जी घर पर नहीं बनी होती है तो मैं अचार से कितनी भी रोटी खा सकती हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मेक दिस अचार. लेट्स गो. केयर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली एक कढ़ाई जिसमें हमने डाला बहुत सारा तेल. डोंट वरी, क्योंकि ये अचार है इसमें तेल जाना ज़रूरी है, बट ये सारा तेल आपके पेट में नहीं जाएगा. हम इस तेल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे जिसके बाद हम इस अचार में डालेंगे हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ढेर सारी कलौंजी, मेथी के सीड्स और सौंफ. इसके बाद आपको गैस से पट पट की आवाज़ आने लगेगी और उसके बाद आप डालेंगे हींग और इसे हिलाएंगे, जिसके बाद आपने घसी हुई कैरी डालनी है इस अचार में. क्वांटिटी कैरी की काफ़ी होनी चाहिए क्योंकि कैर के अलावा सिर्फ यही है जो आपके अचार को खट्टापन देगा. कैरी को आप कलौंजी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स करिए. इसे थोड़ी देर हम इसी तरह पकाएंगे. जिसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक. नमक की क्वांटिटी भी नीचे लिख दी जाएगी. नमक को अच्छे से अपनी कैरी में मिक्स कर लीजिए. हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा थोड़ी सी हल्दी. हल्दी हमारे अचार को एक बहुत ही खूबसूरत कलर देगा और हल्दी इम्यूनिटी के लिए भी काफी अच्छा होता है. इसके बाद हम डालेंगे हमारा हीरो ऑफ द डिश विच इज केयर. मुझे केयर पर्सनली बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड इसका अचार मेरा फेवरेट टाइप ऑफ अचार है. अब हमें इसे अच्छी तरह से अपने बाकी के मसाले में मिक्स करना है. इन केयर को हमने पिछले 10 दिन से नमक के पानी में भिगो कर रखा हुआ है जिससे इनमें खट्टापन आ गया है और उस 10 दिन नमक के पानी में भिगोने के बाद हमने इसका अचार बनाया है. हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर रहे हैं ताकि हर कोने तक कलर और टेस्ट पहुंचे. इस प्रक्रिया के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची. इसके बाद हम अपने अचार को एक दिन के लिए ठंडा करने रखेंगे, जिसके बाद हम इसमें गरम करके ठंडा किया हुआ तेल डालेंगे और फिर हम इसे एक डिब्बे में डाल के रख देंगे.